आज हम जो सर्जरी कर रहे हैं वो है पिनाइल फैट ग्राफ्टिंग। सबसे पहले तो मैं फैट दिखाना चाहूँगा, बहुत ही येलो कलर्ड, बड़ा गुड क्वालिटी फैट है, बिल्कुल छोटे पार्टिकल से इसको फिल्टर कर देंगे। इस तरह का फैट हो तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो एक ये भी सिरिंज है, दूसरी सिरिंज भी है हमारे पास, और देखेंगे हम इसमें से कितना फैट डालेंगे। तो एक तो ये प्रोसीजर किया है, साथ में हमने इनका फिलर डाला है रेनुलम के आसपास टाइमिंग बढ़ाने के लिए, और तीसरा हमने इनकी ये नर्व्स निकाली है, बेसिकली डोर्सल नेक में की है। तो ये तीनों प्रोसीजर साथ में कर रहे हैं पेशेंट पे, और पेशेंट सेडेशन में है, सुन रहे हैं हमें, और अभी प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा, पेशेंट को शिफ्ट कर देंगे, कल डिस्चार्ज कर देंगे। कोई निशान नहीं, कोई टाका नहीं, कोई बैंडेज नहीं, पेशेंट आराम से अपने घर जा सकता है। ये जो फैट है ये शुरू शुरू में स्वेलिंग रहती है, कम से कम 10 दिन तक तो स्वेलिंग होती है, आपको पहले इसको थोड़ा ऊपर करके रखना होता है, फिर स्वेलिंग चली जाती है, लेकिन जो फैट है उसकी ब्लड सप्लाई बनने में 1 महीना तक लग जाता है। उसके बाद पेनिस के अंदर से नई ब्लड वेसल्स फैट के अंदर चली जाती है और फैट परमानेंट हो जाता है हमेशा के लिए, जो कभी भी नहीं जाता। शुरू में 1 महीने में इसलिए इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा ध्यान रखें कि पेनिस को ज़्यादा आप ना हिलाएं, उसकी स्किन को आगे पीछे नहीं करें, क्योंकि अगर वो करेंगे तो फैट इधर उधर हिलेगा तो ब्लड वेसल्स जो नहीं बनेगी वो डैमेज हो जाएगी। 1 महीने के बाद आप जो मर्जी कर सकते हैं, फिर कुछ नहीं होता, जो फैट रह गया वो रह गया। तो इस सर्जरी में लेंथिंग ये करने आए थे, लेकिन ये चाहते नहीं थे कि वहाँ पे कोई कट लगे, तो हमने लेंथिंग का प्रोसीजर इनका डेफर कर दिया, और ये 3 प्रोसीजर इनके आज किए। थैंक यू।